तुम्हें पता है कि अभी काफी सारे एनिमेज हिंदी डब हो रहे हैं। लाइक अगर कंचीरोल की बात करो तो उन्होंने काफी सारे एनिमेज को हिंदी डब कर रखा है और इन्हीं एनिमेज के अंदर काफी सारे फनी और हिलेरियस मोमेंट्स भी आते हैं। कुछ को मैंने अपने चैनल पे भी शोकेस कर रखा है और वो भी कुछ अलग ही अंदाज में, और उसमें भी तुमने काफी ज्यादा प्यार दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मीम रिव्यू किया जाए सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब एनिमे के मोमेंट्स को लेके, वही फनी और हिलेरियस वाले और साथ से थोड़ा क्रिंज वाले भी। एनीवेज अभी हम एक कंपाइलेशन देखने वाले हिंदी डब मीम्स का और यह है एनिमे एडिक द्वारा, तो उनको भी साउट आउट। और चलो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। भाई भाई अरे रुको, गोली है भाई, ये तो चौक। अरे यार मैंने देख रखा है सच से, शिप कर हमला। ये इसका है क्या डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग का है क्या? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सोंगहाई 60 कल्टीवेशन स्कूल प्राइमरी टीचर Wong Sukong. That dub was not bad actually. इसका भी डब हो रहा है हिंदी डब में। एक्चुअली इस शो का फर्स्ट सीजन मेरे को काफी अच्छा लगा, लेकिन सेकंड सीजन उतना भी कुछ खास नहीं था, फर्स्ट सीजन बढ़िया था भाई। बाकी मैंने इस पे ऑलरेडी एक रिव्यू बना रखा था, चाहो तो देख सकते हो। तांजीरो पूरी मेहनत करो, तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा योद्धा बनना है, और फिर उससे जाकर कहना अपने कौवे की चोट से लंबे बाल कटवा ले। भोंडा दिखता है और तेरी मुर्गे जैसी टांगे हैं, पागल कहीं का, जाके डूब मत, चलो भर पानी में। Oh my God. एक क्रिंज क्यों लग रहा है मेरे को? इन्होंने स्क्रिप्टिंग में काफी ज्यादा मिशअप किया। मेरे को एक लाइक मित्सुरी वाला सीन याद है जहाँ पे भाई क्या बना दिया था इन्होंने। मुँह में नहीं दांत पेट में नहीं, याद कर रहे हैं प्यार की बात? चोट तो यहाँ भी लगी है, हमें भी ले लो बाहों में। अब मैं क्या, कांटे लगे हुए हैं? चुप कर, थर के जाएगा। बंद करो, बैठ जाइए। ये एनिमे मेरे को काफी मजेदार लगा। इसका नाम कुछ मसल वापस था, कुछ ऐसा ही नाम है भाई, मैं नाम मेरे को याद नहीं रहता है एनिमे के। लेकिन कहां पर बैठे? ये भी लाइक सारा वो निकाल देता है, देखिए लो सीट बना देगा। क्या पावर है इस एनिमे में, देखने लायक काफी चीज है यार। ये वाला सीन मैंने देख रखा है। इसकी क्या जरूरत थी, कमरा पूरा तैयार था तो वहां ले जाते। एक्चुअली लाइक मतलब एक समझो ना तुम, एग्जामिनेशन हॉल है वहां पे जाके तुम बैठ सकते हो, लेकिन इसको तो शो ऑफ करना है इसलिए जमीन पे इसने सीट निकाल दिया था। अबे एग्जाम की तरह तुझे यहाँ भी अंडा ही मिला है, तेरे लाइफ का नहीं है कोई फंडा, और तू कभी गाड़ नहीं पाएगा झंडा। पिछवाड़े में दम हो तो लड़की पड़ती है, पर लड़की के सामने आती तेरी पड़ती है। Oh my gosh, okay. और वो भी हाँ बोल रहा है भाई, हाँ भाई। कर लो मेरे भाई। खुलतुरे। इसका ओरिजिनल वाला बीप देखा है भाई, इसने मस्त बताया ये। दस रुपए दे। तुर्तुरे। तुर्तुरे। Oh my gosh, okay. Oh my gosh, ये क्या देखने को मिल रहा है? अरे वो what? One minute later. स्ट्राइक वगैरह ना मिल जाए। What was that? What is this swordsman? One piece. अरे what? क्या ये? सेम रिएक्शन मेरा भी हो रहा है भाई। That was not 69. ये क्या हो रहा है? क्या ट्रांजिशन है? Oh my gosh, try that transition देखा तूने भाई? God level editing. तेरा गुरूर हूँ। तू फासुला में था, तू हुआ बे सामला, तू हुआ बे चोले। ये व्हाट, ये थोड़ा सा मेरे को कट करना पड़ेगा। भाग मत। अरे पीछे से कोई लगता है, मतलब तुम ध्यान से अगर इसको सुनोगे ना, पीछे को बोल रहा है ये गाली दे रहा है, वो वाला बीम का साउंड आ रहा है मेरे को, वो याद है जी। ए जी गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है मतलब छोड़िए, एक
टाइप पोकेमोन है। ये यूपी या कभी कभी बिहार में भी पाया जाता है। ये लवदी का विकसित रूप है। ओह माय गॉश, ये मेरे को लगता है पूरा मेरे को बीपी करना पड़ेगा। ओह माय गॉश, आ गया पोकेबॉल में। वो नाइस नाम तो देखो। अरे भाई ओके, आई गेस कंटिन्यूएशन है इसका। भाई वो मूव कर रहा है अब्यूसिव लैंग्वेज। व्हाट? ओह माय गॉड, ओह माय गॉश, दैट वाज ग्रेट। आ तो ओमाय गॉड की ना व्हाट, कि मेरे को चीज याद है भाई। एक तरफ तो पूरा दुनिया तबाह हो रहा है और इस भैया को प्रपोज करने की परी है। आ तो ओमाय गॉड की ना ये सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है। Oh my God, that was good, didn't it? मैं मोटी हूँ। अरे बाबा रे। पर अकली हूँ ये किसने कहा? One Piece fans से relate कर सकते थोड़ा सा। मेरे को इसके बारे में पता नहीं, इस character के बारे में। But I can relate a little bit. ये मेरे को चेहरा क्यों याद आ रहा है? ये कोई डांसिंग गर्ल तो नहीं है ना? ओके अच्छा, किसके साथ जाना पसंद करोगे तुम? कितेगा वो? ऑल राइट, ओह माय गॉश, दिस इज फाइन। मैन खासकर उसके हाथ पे जो चीज़ है उसके बाद तो जाना प्रेफर कर सकते काफ़ी सारे लोग। नहीं 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 नहीं, तुमको नहीं पता कि ये कौन है? अगर तुमको पता है कि ये कौन है तो तुम अपना जेंडर देख के जाओगे। माय गॉश, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे तुम? इसके बारे में नहीं पता मेरे को। ओके, पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि लोग इसको क्यों डाल रहे हैं, फिर मेरे को पता चला 110। अब बस Never forget your friends. साले जो अपना बाप का नहीं हो सकता वो हम लोग का फ्रेंड्स का क्या होगा? अगर तुम्हारे अंदर में जरा सा भी शर्म नाम की चीज है तो जा और अपने बाप से माफी मांग। तू आज से सारा रिश्ता खत्म, आज से तू अपना ट्रैक और हम लोग अपना ट्रैक। चल बासु। This was cringe, I guess. पता नहीं भाई, मेरे को क्रिंज नहीं, मजा आ रहा है यहाँ का। What? Oh my gosh. डार्क नहीं हो रहा नहीं है। What a song, baby song, by Norvex, sound teacher Max. Yo. अरे बच्चन जी, Oh my gosh, मेरे को याद है भाई। ये इंग्लिश सब में काफी हिलेरियस लग रहा था यार, ये वाला चीज, ये जो इसका सीन था, इसका कागुया शर्मा लव इज फॉर का। मेरे महबूब का यार मत हो। I'm just the best thing. मेरे को फल वर्जन चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब What? ये वाला एनिमे मैंने देख रखा है। ये इसका नाम है GTO, ग्रेट टीचर ओनीज़का शायद इसका नाम है। बड़ा मस्त एनिमे यार, मतलब इसके लाइक एनिमेशन थोड़ा पुराना है क्योंकि ये एनिमे पुराना है, बट भाई एनिमे काफी मस्त है ये। लवली कुमारी। यस सर। ब्यूटी कुमारी। आई एम प्रेग्नेंट सर। गॉड लेवल क्रिंज। वैसे वो एनिमे बहुत फन था। दिख रही है। तू भी पहले ना, तेरी भी दिखेगी। मैंने कहा है हम तो लेके घूमना। दिस वाज कूल। मैन मैं इस टाइप की वीडियो जल्दी इसलिए नहीं बनाता ना क्योंकि इस पे कॉपीराइट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट मेरे को काफी मजा आता है यार तुम लोगों के साथ थीम्स देखने में। अगर तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए एंड यादक देखने के लिए। अरे गाता।